करेंगे, प्रदर्शन जारी रहेगा, लड़ेंगे, धरना देंगे, पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ना झुकेंगे। मोदी जी ने एक वॉशिंग मशीन डाल रखी है, भ्रष्टाचारी को डालो और दूसरी तरफ से बिल्कुल क्लीन करके भेजो। आप दिल्ली में हमसे हार चुके, 3 बार हराया हमने दिल्ली में बीजेपी को, चुनाव से हार से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने गिरफ्तार करा। गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव पर असर डाले? असर नहीं आएगा। अब जनता ये बोल रही है बहुत गलत हो रहा है और हमें जनता का सपोर्ट पूरा मिल रहा है। इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार बात की जाए तो जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से मामला गरमाते हुए दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहां पर बड़ी पुलिस बल तैनाती की गई है, लेकिन इसी बीच हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, अब गिरफ्तार हो गए हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, कैसे देखें? ये तो अब इनकी मर्जी है, जब मर्जी गिरफ्तार कर सकते थे, इनकी सरकार है, देश में जो मर्जी है वो कर सकते हैं, किसी की पार्टी तोड़ देते हैं, किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो हमें पता था ये होना है चुनाव से पहले, क्योंकि लोकसभा चुनाव ये हार रहे हैं, दिल्ली में हमारा माहौल बना हुआ है, पंजाब में, तो चुनाव से हार से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने गिरफ्तार करा। ये गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव पर असर डाले? असर नहीं आएगा। अब जनता ये बोल रही है बहुत गलत हो रहा है और हमें जनता का सपोर्ट पूरा मिल रहा है। सब बोल रहे हैं नाजायज गिरफ्तारी है, ऐसा थोड़ी होता है। आप जनता की सीएम को इस तरह ले जा रहे हो, पहले हमारा नेता बंद कर दिए। आप दिल्ली में हमसे हार चुके, 3 बार हराया हमने दिल्ली में बीजेपी को, तो अब अपनी हार से बचने के लिए इन्होंने अरविंद जी की गिरफ्तारी करी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और जनता हमारे साथ हैं, लड़ते रहेंगे, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। लेकिन लगातार अगर घोटाले की बात की जाए तो 338 करोड़ के घोटाला ये लगातार बताया जा रहा है। वो 1000 करोड़ भी बोल सकते हैं, ईडी उनके हाथ में है। आप ये बताओ, जो बड़े नेता हैं जो मोदी जी के खिलाफ बोलते थे वो भ्रष्टाचारी थे, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके सारे केस खत्म हो जाते हैं। मोदी जी ने एक वॉशिंग मशीन डाल रखी है, भ्रष्टाचारी को डालो और दूसरी तरफ से बिल्कुल क्लीन करके भेजो। लेकिन अगर बात की जाए तो कट्टर ईमानदार होने की बात अरविंद केजरीवाल करते रहते थे तो और नवा समन भेजा गया और नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं छवि खराब नहीं हुई उनकी? समन ही फर्जी है, केस ही झूठा था तो क्यों जाएंगे हम? जब कोई केस में सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो जबरदस्ती बना रहे हैं, बनाते रहो। देखो, हमारी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है, सब आंदोलनकारी हैं, ईमानदार लोग हैं। मैं बोल रहा हूँ जेल भेज दो, लाठी चला दो, गोलियां चला दो, कोई दबने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों का आंदोलन था और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात अब कही जा रही है? लिप्त नहीं है। आज हम मोदी जी के सामने हमारे नेता सरेंडर कर देते, उनके साथ गठबंधन कर देते तो आज हमारी पार्टी में सब ईमानदार हो जाते। जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो बेईमान हो जाएगा। ठीक है, रणनीति क्या है? लड़ेंगे बिल्कुल, प्रदर्शन जारी रहेगा, लड़ेंगे, धरना देंगे, पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ना झुकेंगे। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर लड़ेंगे और कंप्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करेंगे और लगातार कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में आम आदमी पार्टी को केवल लगातार ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के लोग हार नहीं मानने वाले। अगर बात की जाए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और भी लोग यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं और लगातार अगर बात की जाए तो यही सारी चर्चा चल रही है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हल निकल के आएगा, क्योंकि प्रदर्शन जो है लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है और जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो भी आप देख सकते हैं, कुछ ही देर में यहां पर प्रदर्शनकारियों का पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में जो आम आदमी पार्टी की रणनीति है वो तो साफ तौर पर ये बताती हुई दिख रही है कि हम लड़ेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और लगातार इन सारी चीज़ों को लेकर के सवाल जो है वो सरकार से पूछते ही रहेंगे। अब देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।